पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से चलाई गई मुहिम हैशटैग साफा विद ट्विटर खूब चर्चा में है और ऐसे में बड़े बड़े नेता, अभिनेता और हर आमजन साफे के साथ अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अपने फेसबुक पर वीडियो शेयर किया जिसमें वो मात्र 27 सेकेंड में जोधपुरी साफा बांधते नजर आ रहे हैं। वही जोधपुर के ओसिया में भी ये मुहिम जोरों पर है और इस दौरान यहां एक व्यक्ति ने महज 1 मिनट में 4 साफे बांधने का रिकॉर्ड बनाया जिसके चलते इस शख्स का नाम लिम्का बुक में भी दर्ज है। इसी को लेकर साफा महारथी चंदन सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित ने। राजस्थानी साफा है जो आन बान शान का प्रतीक सदियों से चला आ रहा है और माना भी जाता है। इन दिनों यदि बात करें राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी एक फोटो साफा विद ट्विटर हैशटैग लगाकर शेयर की थी। उसके बाद जो प्रदेश का माहौल है वो बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा था। प्रदेश के जो भी युवा है, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, वो सब इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए साफे के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखें तो राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अपनी फेसबुक पेज से एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो जोधपुरी साफा बांध रहे हैं। मात्र 27 सेकंड के अंदर वो जोधपुर साफा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ हमारे क्षेत्र के एक शख्सियत है जो मात्र 1 मिनट के अंदर 4 साफे बांधते हुए नजर आती है। हमारे साथ चंदन सिंह है, अपन उनसे बात करते हैं किस प्रकार से उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। मेरी ये रुचि जो साफा बांधने की रुचि है वो 5वीं क्लास में पढ़ता था तब से ये जागृत हो गई थी और मैंने ये 1 मिनट के अंदर 4 साफे बांधकर लिम्का बुक में रिकॉर्ड बनाया है। इसको आप सब युवाओं को आज लाइव रिकॉर्ड लाइव बांधकर आपको दिखाऊंगा और राजस्थान के पर्यटक मंत्री और राजस्थान के युवा और समस्त नेताओं अभिनेताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ जिन्होंने इस साफे को इतना लोकप्रिय बनाने के लिए जो ये अभियान चलाया है वो उनका सार्थक साबित होता जा रहा है। आप देखेंगे मेरे साथ, मैं कैमरामैन मनीष को कहूंगा कि वो टाइमर दिखाएंगे। ये टाइमर है चंदन सिंह जी मेरे पीछे है, किस प्रकार से है जो 1 मिनट के अंदर ये 4 साफे बांधते हुए नजर आएंगे। चंदन सिंह जी मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ। आप देख पा रहे हैं टाइमर चालू हो गया है। वहीं जो चंदन सिंह जी है वो भी लगातार है जो साफा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी विशेष बात यह है कि ये मात्र 1 मिनट के अंदर 4 जोधपुरी साफे बांधते हुए नजर आते हैं। कीर्तिमान की बात करें तो इन्होंने जो लिम्का बुक है उनके अंदर भी अपना नाम दर्ज करवा रखा है और इनकी ठेठ से यही मान्यता है और इनकी धारणा यह कि राजस्थानी संस्कृति को किसी ना किसी तरीके से प्रमोट किया जाए। इनका एक अलग ही खुशी नजर आती है कि आखिर मंत्री जी ने इस विषय को उठाया है। आप देख पा रहे हैं लगातार जो इनका टाइमर है वो चालू है और ये है जो अपने साफे बांधने की कला में जो महारत हासिल की हुई है उसको अपने अभी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो समय है वो 38 सेकंड भी नहीं हुआ है, इन्होंने लगातार है जो अपना जितना जो तीसरा साफा है वो भी कंप्लीट कर दिया है। ये अपना लास्ट जो अंतिम साफा है वो बांधते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो इनका अंतिम साफा है वो भी लगभग है जो कंप्लीट रूप से बन चुका है। मैं मनीष को कहूंगा कि दोनों को साथ में कवर करें। आप देख पा रहे हैं ये जो टाइमर है वो थम गया है, मात्र 1 मिनट के अंदर इन्होंने 4था साफा है वो भी बांध दिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो इनकी महारत, चंदन सिंह जी क्या कहेंगे किस प्रकार से आपने बांधा है, किस प्रकार से महारत हासिल की है? मैंने कंटिन्यू इसका प्रयास किया है कि 1 मिनट के अंदर कितने अधिकतम साफे बांध सकते हैं, तो मैंने 1 मिनट में अंदर 4 साफे बांधकर लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाया है। ये बांधना और इसके पीछे रिकॉर्ड बनाने के पीछे भी मेरा यही उद्देश्य था कि राजस्थान के युवाओं की इसकी प्रति लोकप्रियता बढ़े और इसके प्रति जागृत हो। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको साफे बांधने की? प्रेरणा मेरे माता पिता से मिले। अब जो युवा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक इस साफे को बनाए, पहने और पहन बांधने की कोशिश करें ताकि अपनी ये पुरखों की जो विरासत है इस विरासत को बनाए रख सकते हैं। कि आपने देखा ये थे मेरे साथ चंदन सिंह इंदा जिन्होंने 1 मिनट के अंदर 4 साफे बांधकर सभी दर्शकों को दिखाए। इनका कहना है कि मंत्री जी द्वारा जो ये पहल की गई है और जो युवा है वो लगातार जो साफे के साथ अपनी फोटो शेयर करें वो राजस्थान की संस्कृति को लगातार बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा माध्यम साबित होगा। ओसिया से सहयोगी मनीष सोजा के साथ सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, एवन टीवी ओसिया जोधपुर।